हरियाणा की मंडियों में धान और बाजरे के फसल की आवक इन दिनों जोरों पर है। झज्जर जिले की अनाज मंडी की बात की जाए तो मंडी में हर रोज 300 से ज्यादा किसान अपनी बाजरे की फसल बेचने के लिए ला रहे हैं, लेकिन उठान धीमा होने के चलते किसानों के खुले आसमान के नीचे पड़े काले सोने पर बरसाती बादलों का खतरा मंडरा रहा है। मार्केट कमेटी की सचिव सविता ने खुद माना है कि बाजरे की फसल का उठान काफी धीमा है, लेकिन साथ ही उन्होंने बरसात आने पर मंडी में तिरपाल रखे होने पर और पानी निकासी के लिए पंप सेट उपलब्ध होने की भी बात कही है। मार्केट सचिव का यह भी कहना है कि मंडी में प्रतिरोज किसान अपना बाजरा लेकर आ रहे हैं, बाजरे की सरकारी खरीद भी शुरू हो चुकी है, लेकिन उठान अभी धीमा है जिसको गति देना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि झज्जर की अनाज मंडी में 70,000 क्विंटल की आवक हो चुकी है। नोटिस दे रखा है वो अपनी फसल को तिरपाल से ढके और सबने ढक भी रखे हैं, चाहे आप मंडी का दौरा भी कराओ, और हमने साथ साथ एक्सचेंज ऑफिस में भी कह रखा है कि वो पंप वगैरह का इंतजाम रखे अगर पानी तो पानी से भरने नहीं दिया जाएगा, मंडी को जब भी निकाल दिया अगर वो भी तो, और वैसे तो तिरपाल वगैरह ढक रखा। लिफ्टिंग वगैरह की बात करें तो प्रॉपर लिफ्टिंग थोड़ी स्लो है, बाकी हमारे यहाँ झज्जर में 20,000 क्विंटल खरीदा जा चुका है कल तक, और आज भी ऑप्शन चल रही है हैफेड के लिए, और मातन एरिया में भी 12,000 क्विंटल खरीदा जा चुका है। मैडम, जो मंडी में जो किसान आते हैं उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं की गई हैं मार्केट कमेटी की तरफ से? मार्केट कमेटी की तरफ से हेल्प डेस्क है, अगर कुछ उनको प्रॉब्लम हो तो वो आके बता देते हैं, हम आगे हेल्प डेस्क पे भेज देते हैं, और बाकी पानी की और टॉयलेट वगैरह सारे क्लीन हैं, सारी सुविधाएं। दिन भर में कितने किसान हर रोज आ रहे हैं? बस ये तो अंदाजा है, कभी आ जाते हैं 300-400, ज़्यादा भी आ जाते हैं 500-600 भी आ जाते हैं। बहरहाल मौसम विभाग ने पहले ही शनिवार की बरसात को लेकर अलर्ट जारी कर रखा है। अगर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई तो झज्जर की अनाज मंडी में खुले आसमान के नीचे पड़ा किसानों का हजारों क्विंटल बाजरा बरसात में भीग सकता है और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सत्य खबर हरियाणा के लिए झज्जर से जगदीप राजजैन की रिपोर्ट। सत्य सटीक बेबाक